हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आप टिकटॉक वीडियो देखते हैं तो आपका डाटा बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाता होगा, तो आप जो है उसको कैसे रोक सकते हैं। आप ढेर सारा जो है आप टिकटॉक वीडियो देखेंगे तब भी आपका जो डेटा जो है ख़त्म नहीं होगा उतना जल्द जितना कि आपका पहले हो जाता था। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस करना क्या है, आपको यहाँ पे टिकटॉक को ओपन कर लेना है, और गाइस टिकटॉक को ओपन करने के बाद जो है सेटिंग को आप लोगों को इनेबल करना है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ से जैसा कि आ गया तो इसको रोक देता हूँ मैं यहाँ से। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ से मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे टिकटॉक आईडी शो हो जाएगा, अपना टिकटॉक अकाउंट जो है आपका खुल जाएगा, और ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस करना क्या है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद गाइस यहाँ से देख सकते हैं डाटा सेवर जो है लिखा हुआ, इसको जो है आपको इनेबल करके रखना है। तो गाइस इनेबल करके रखते हैं तो आपका डाटा जो है उतना जल्द नहीं ख़त्म होगा जितना कि पहले आपका ख़त्म हो जाता था टिकटॉक वीडियो देखने के बाद। और टिकटॉक वीडियो देखते समय जितना आपका डाटा ख़त्म हो जाता था उतना नहीं ख़त्म होगा। तो गाइस इसी तरीके से जो है अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, अपने टिकटॉक वीडियो को देख भी सकते हैं, और टिकटॉक वीडियो देखने के बाद आपका डाटा भी बचा रहेगा। आप भर जितना समय देखते थे उससे दो गुना टाइम तक आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यदि पसंद आया तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।